खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक माने जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि खेसारी लाल यादव के गानों, फिल्मों और स्टेज शो की दीवानगी हमेशा से ही भोजपुरी दर्शकों के बीच हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं खेसारी लाल यादव की 8 बड़ी फिल्मों के बारे में। जो बड़ी फिल्में देखने के लिए दर्शक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। हालांकि कुछ फिल्मों की अनाउंसमेंट की गई है और कुछ फिल्मों की शूटिंग भी शुरू की जा चुकी है, और ऐसे में जानना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है कि खेसारी लाल यादव की 8 फिल्में किस तरीके की होने वाली हैं। सबसे पहले फिल्म की बात करेंगे तो मेहंदी लगा के रखना 3। जी हाँ, इस फिल्म से जुड़ा उनका भी हाल ही में एक लुक पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिस लुक पोस्टर में खेसारी के साथ अभिनेत्री शादी के जोड़े में नजर आ रहे थे। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट होली के शुभ अवसर पर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इस बात की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई कि इस फिल्म को होली के शुभ अवसर पर रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी फिल्म है बापजी। बापजी फिल्म में भी खेसारी और काजल की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस फिल्म में खेसारी के साथ काजल राघवानी का काफी अहम रोल होने वाला है, और हो सकता है कि बाप बेटे की कहानी में खेसारी की जोड़ी काजल के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में कामयाब साबित हो पाए। तीसरी बड़ी फिल्म होने वाली है एक साजिश जाल, जिसका भी हाल ही में एक लुक पोस्टर भी रिलीज हुआ था। इस लुक पोस्टर में खेसारी लाल यादव खून से लथपथ दिखाई दिए थे और हाथ में उन्होंने एक बड़ी सी गन लेकर रखा था। एक साजिश जाल भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इस फिल्म में शायद खेसारी लाल यादव किसी साजिश का शिकार हुए हों, बाद में अपना रिवेंज लेते हुए नजर आए। चौथी बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग की जा रही है सैया अरब गले ना। फिल्म की शूटिंग दुबई के खूबसूरत इलाकों में की जा रही है। हालांकि इस टाइटल से गाना भी खेसारी लाल यादव लेकर आ चुके हैं, उस गाने को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। पांचवी बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो इस फिल्म को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। खेसारी लाल यादव की फिल्म बब्बू अबवाली को लेकर हमेशा ही चर्चाएं की जाती हैं, क्योंकि इस फिल्म में एक लंबे समय के बाद खेसारी के साथ अक्षरा सिंह नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन करते हुए नजर आने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर योगेश राज मिश्रा, जिन्होंने खेसारी के साथ दबंग सरकार जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई है। छहवीं बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो राजा हिंदुस्तानी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। सातवीं बड़ी फिल्म है खेसारी लाल यादव की 786, जिस पर अभी भी काम शुरू नहीं हो पाया। फिलहाल ये फिल्म फ्लोर पर तो आ गई है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। आठवीं और आखिरी बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो खेसारी लाल यादव की यह फिल्म कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। खेसारी लाल यादव की फिल्म हेरा फेरी को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव हंसी के ठहाके लगाते हुए नजर आएंगे, तो इस फिल्म का भी दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी खेसारी लाल यादव की बैक टू बैक 8 बड़ी फिल्में, जिन फिल्मों की शूटिंग आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है और कई फिल्मों की शूटिंग अभी बाकी है। ऐसे में दोस्तों, आप हमें बताएं कि खेसारी लाल यादव की इन 8 बड़ी फिल्मों में से आप किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमेंट कर सुझाव अपना जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।